Hey guys, today I'm not at some fancy coffee shop. Today neither am I somewhere out. I am rather sitting right in the middle of my room here in my house. And today I, wanted to talk to you guys about a topic which I think we seldom discuss. Nobody wants to discuss this. Nobody likes to discuss this. But it is something which is really, really important. टाइटल से आपको पता लग गया होगा ये किस बारे में है. इट इज़ अबाउट द ईगो इन अस, यू नो. एंड जो ईगो की बात मैं कर रहा हूँ, व्हेन वी टॉक अबाउट ईगो, चाहे वो आर्टिस्ट्स ईगो हो, चाहे वो हमारे अंदर एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर ईगो हो, इस ईगो की जब मैं बात करता हूँ तो यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट ईगो वी ऑलवेज थिंक अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईगो. जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता है. एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, कोई और भी है, एवरी ह्यूमन बीइंग, ईच वन ऑफ अस हैव एन ईगो इनसाइड ऑफ अस, यू नो. और ईगो अगर नहीं है हमारे अंदर, तो आई डोंट थिंक वी आर ह्यूमंस इनफ, यू नो, सो टू स्पीक, बिकॉज ईगो इज इम्पॉर्टेंट एज वेल. एंड वेन एवर वी डिस्कस ईगो, वी टेक इट इन अ नेगेटिव एस्पेक्ट, विच इन इट सेल्फ इज अ रॉन्ग थिंकिंग, इफ आई मे पुट इट दैट वे. हाँ, शायद अगर मैं सुपर ईगो की बात करूँ, वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है. बट ईगो की अगर मैं बात करता हूँ, तो हम सबके अंदर ईगो होता है और ईगो होने की ज़रूरत भी है. व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस टुडे? वेल, यू सी, व्हेन वी टॉक अबाउट ईगो, वी फील दैट, यू नो, वी सपोज हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी एक्स वाई जेड इंसान के बारे में बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि उसमें ईगो है, यू नो, ही इज़ वेरी ईगोइस्टिक, ही हैज़ एटीट्यूड, ही थ्रोज अराउंड टैंट्रम्स. बट वो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सुपर ईगो आ जाती है, यू नो, स्पेशली फॉर क्रिएटर, स्पेशली फॉर आर्टिस्ट्स हु क्रिएट वर्क ऑफ आर्ट, हु क्रिएट आर्ट, हु यू नो लिव्स और ब्रीड्स आर्ट डे इन एंड डे आउट. एक पर्टिकुलर लेवल की जब सक्सेस उसको हासिल हो जाती है. नाउ सक्सेस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड. जो आपके लिए सक्सेस है, शायद वो मेरे लिए सक्सेसफुल नहीं है, एंड वाइस वर्सा. तो इफ़ यू जनरलाइज द टर्म सक्सेस, अगर किसी को सक्सेस हासिल हो रही है या हो जाती है, या यू नो ही इज़ बीइंग और शी इज़ बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ एज फार एज प्रोड्यूसिंग हिज आर्ट और हर आर्ट इज़ कंसर्न्ड, तो वो सुपर ईगो जो है वो आपको ये बिलीव करा देता है कहीं ना कहीं कि आप दूसरे लोगों से ऊपर हैं. यू नो, यू आर बियॉन्ड, यू आर अबव एवरी अदर ह्यूमन बीइंग, यू आर अबव एवरी अदर प्रॉबली फ्रेंड्स और यू नो इवन फैमिली मेम्बर्स दैट यू हैव, विच आई थिंक इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन योर करियर, इन योर लाइफ, वेर यू गो डाउन इन लाइफ. यू गेट माई पॉइंट? सो आई थिंक सुपर ईगो इज समथिंग विच टेक्स यू डाउन इन लाइफ. अगर आप सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छी बात है. अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी हैं, यू नो, एवरी वन, ईच वन ऑफ अस is on a level surface in life. हम सब जो हैं अपने अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. हम सब जो हैं अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं. We are all equals. हम कहीं भी, आप आगे, मैं पीछे, आप ऊपर, मैं नीचे, ऐसा कुछ नहीं है, ना कि होना चाहिए. I have always believed, अगर आपके जो feet हैं, अगर आपके जो पैर हैं, वो firmly अगर ground में है, if you are connected to your roots, you will go really far ahead in life. It doesn't matter how much success you achieve. See, everybody will be successful at some point of time in their lives. You know, success is like a graph. Ye upar jayega, niche aayega, and then again, this will go up. Aapka time aayega, aapka waqt aayega, you will again go down, and then again, you will pick yourself up. That is why, you know, people say that, you know, aapka waqt aa raha hai, ya aapka waqt nahi aa raha hai. But the problem is, when we are up there, you know, when we have achieved so-called fame or success या कुछ भी, तो वो fame जो है हमारे सिर चढ़ जाता है. You know, we tend to think that we are the best, we tend to feel that we are better than other people in the room, so to speak. We are better than other creators, other artists, which I think is a very wrong perception. मैंने जब से photography start करी है, which has been a decade or so, I've always believed that I am not really better or worse than anybody but myself. You know, jo content, jo pictures, jo bhi art form main aaj produce kar raha hu, I will try and better that tomorrow. You know, so that the competition remains with me, myself, and not with somebody else. Yes,
आई डू गेट इंस्पायर्ड बाई लुकिंग एट अदर पीपल्स वर्क. येस आई डू गेट अपसेट, आई डू गेट सैड लुकिंग एट अदर पीपल वेन दे आर यू नो अचीविंग ऑल द सक्सेस इन लाइफ एंड वेन दे आर गेटिंग ऑल दैट विच प्रॉबली समवेयर यू और आई डिजर्व मोर. बट दैट्स ओके बिकॉज एवरीबडी इज डिजर्विंग इन लाइफ. कोई ऐसा नहीं है कि कम या ज़्यादा डिजर्व करता है. एंड लाइक आई सेड अ वाइल बैक, सबका वक्त आता है. यू नो को हम नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को हम पुश करते हैं, एक दूसरे को हम पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं एक ही फील्ड में, एक ही इंडस्ट्री में. सो इफ़ आई टॉक अबाउट फोटोग्राफी, यू नो देर आर अदर फोटोग्राफर्स हु वुड ट्राई टू पुल यू डाउन, हु वुड से यू नो दिस इज नॉट द काइंड ऑफ वर्क दैट इंटरेस्ट देम और व्हाटएवर यू नो. बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक व्हाट मैटर्स मोस्ट इज व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग. इफ दैट इज मेकिंग यू हैप्पी, if that is making you satisfied, if that is what you want to do in life, then I would say go ahead, do it, and don't let anybody else say anything else that you know you are not doing good work or you're not producing good content or whatever. So success at the end of the day is a very subjective word. Success aisa nahi hai ki aap define kar sakte hain. Success jo hai dheere dheere aati hai. You will gain success, you will gain fame, you will gain a lot of money or whatever comes with success. But us success ko agar aap sar chadh ke bolne na de, I think that is where the ego part comes in. You know, ego aapko ye batata hai ki aap kitne pani mein hai, jabki super ego jo hai wo shayad kahin na kahin aapke bhale pan ke liye, aapke achhai ke liye itna achha nahi hai. I think on that note, I'll end this video here. I thought, you know, why not just talk to my viewers, talk to my friends and talk to my, you know, people here. Because aap log jo hai mera vlog dekhte hain, aap log jo hai mera video shayad samajh paate hain. To mujhe laga ki ye ki bahut hi important ek point hai jo ki mujhe discuss karna chahiye, jo ki main dekhta hoon aajkal, you know, online. Agar main Instagram pe, Facebook pe ya kahin dekhun, we are all trying to pull each other down. You know, I don't understand why don't we work together as a whole, you know, as a community of artists, as a community of content creators. If we work together and you know help each other grow, help each other find a way in life. मुझे याद है जब मैंने काम शुरू किया था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे कोई पुश करने वाला नहीं था. तो मैं खुद ही अपना काम प्रोड्यूस करता था, खुद ही अपना क्रिटिक होता था, खुद ही मेरे क्लाइंट्स जो थे, जो भी छोटे मोटे क्लाइंट्स उस वक्त बनते थे या जो भी काम मेरे को पेड असाइनमेंट्स मिलते थे, वही करने के बाद मुझे पता चलता था कि यू नो आगे मेरे को और काम मिलने वाला है, कि दिस इज़ इट, दिस इज़ माई एंड ऑफ करियर इन फोटोग्राफी. And when I talk about ego, this not only इसका implementation सिर्फ आपके काम में, आपके photography में, आपके artistic work में नहीं है, आपके relationship में भी ये होता है कि आपकी ego आ जाती है और आप कहीं ना कहीं you know उस ego को हावी होने दे जाते हो और आपके relationships, आपके friendships, आपके जो चाहने वाले लोग हैं, आपके जो परिवार जने हैं, उनसे आपका जो relationship ख़राब होता है. सो एट द एंड ऑफ द डे मैं बस यही कहना चाहूँगा यार कि आपकी ईगो को जो है आप साइड में रखिए, स्पेशली द सुपर ईगो विच आई स्पोक अबाउट अ वाइल बैक, उसको आप साथ में साइड में रखिए. उसको बोलिए भाई तेरा काम हो गया है, तू अभी शांत बैठ, तू अभी चिल कर, तू अभी कोका कोला पी, एंड लेट मी टेक केयर ऑफ यू नो माई लाइफ. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू योर सेल्फ आर द ओनली वन हु इज़ कंट्रोलिंग योर लाइफ. सो डोंट लेट एनीबडी एल्स इंक्लूडिंग द सुपर ईगो कंट्रोल योर लाइफ. On that note, I'll end this video here, guys. Thank you so much. अगर आपको ये video समझ में आया, अगर आपको इसका content जो है थोड़ा सा भी समझ में आया, तो एक like ज़रूर कर दीजिएगा. और comment में कुछ पूछना हो, कुछ discuss करना हो, comment में ज़रूर छोड़िएगा. Thank you so much, guys. And I'll see you again in my next video. Bye-bye. Cheers.